दोस्तों, यॉर्कशायर एंड डुरहम के बीच में वाइटलिटी ब्लास्ट का नेक्स्ट मैच खेला जाएगा आज रात 11 बजे इंडियन समय अनुसार। कहाँ पे खेला जाएगा? हेडिंग्लन लीड्स पे, जो कि यॉर्कशायर का होम ग्राउंड है। ठीक है, वेन्यू स्टैट्स देखेंगे। T20 मैचेस इस वेन्यू पे 53 खेले गए हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 32 टाइम्स तो बैटिंग सेकंड करने वाला टीम सिर्फ 20 बार जीते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को थोड़ा सा एडवांटेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, मतलब बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छे रन्स बनते हैं 176 का। स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे, 150 के नीचे सिर्फ 12 बार स्कोर बने हैं, 150 एंड 169 के बीच में 7 बार, सबसे ज़्यादा 170 एंड 189 के बीच में स्कोर बनते हैं इस वेन्यू पे, एंड अबव 190 भी काफ़ी ज़्यादा बार गया है। ठीक है, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेन्स एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अब पिछले साल इस वेन्यू पे टोटल 6 मैचेस खेले गए थे। फर्स्ट मैच आप देख ही सकते हैं, 144/8 चेज हो गया था, पेसर्स डोमिनेट किए थे। सेकेंड मैच 244/4 काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा था दोनों ही इनिंग में, और यहाँ पे भी पेसर्स डोमिनेट किए थे। ऐसे ही हर एक मैच का आप धीरे धीरे देखते हुए जाएंगे कि कैसे कैसे स्कोर बने थे पिछले साल। टोटल ये जो 6 मैचेस खेले गए थे ना, उनमें से 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम और सिर्फ 1 बार बैटिंग सेकेंड मतलब चेजिंग साइड जीते थे। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 25, वहीं स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में पिछले साल सिर्फ 5 विकेट मिले थे पूरे टूर्नामेंट में। सेकेंड इनिंग में 30 विकेट पेसर्स को तो सिर्फ 12 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। ठीक है, अब उसी के साथ साथ इस वेन्यू पे इस साल मतलब 2022 पे कितने मैचेस खेले गए हैं एंड वहाँ पे कैसा क्या रहा है वो भी हम देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे वॉरसेस्टरशायर 172/9 फर्स्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए किए थे। यॉर्कशायर उसको आसानी से चेस किए थे अपने ही होम ग्राउंड पे। पेसर्स डोमिनेट किए थे 7 विकेट के साथ, स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट मिला था। यहाँ पे लेसेस्टरशायर काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए थे फर्स्ट इनिंग में एंड यॉर्कशायर उसको चेस नहीं कर पाए थे। पेसर्स 13 विकेट निकाले थे, सेकेंड इनिंग में पेसर को 8 विकेट मिला था, स्पिनर 3 विकेट निकाले थे। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया था, थोड़ा सा रेन अफेक्टेड गेम था, बारिश हुआ था, सिर्फ 8 ओवर का मैच हुआ था। यॉर्कशायर बैटिंग फर्स्ट किए थे 83/3, डर्बीशायर उसको आसानी से चेस किए थे पूरे मैच में, पेसर्स को 2 तो स्पिनर को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों, अभी बात कर लेंगे हेड टू हेड स्टैट्स का, मतलब इन दोनों टीम्स के बीच में पिछले 3 साल में टोटल 5 मैचेस खेले गए हैं, जहां पे 2 बार डुरहम ने तो 2 बार यॉर्कशायर ने जीत हासिल किए हैं और 1 बार बारिश के कारण नो रिजल्ट रहा था मैच। ठीक है, डुरहम यहां पे 181/8 किए थे, ये डुरहम के होम ग्राउंड पे मैच खेला गया था चेस्टर डिस्ट्रिक्ट पे, और यॉर्कशायर उसको चेज नहीं कर पाए थे। ग्राहम क्लार्क 34 किए थे, बेडिंगहैम 11 किए थे, बेन रेन 2 विकेट निकाले थे। यहाँ पे ग्राहम का परफॉर्मेंस अच्छा है, बेन रेन का परफॉर्मेंस अच्छा है। बेडन कर्ड्स भी 51 रन्स और 1 विकेट। यहाँ पे कफलिन बॉलिंग सेकेंड करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए थे। ट्रैविस किस 1 विकेट निकाले थे नॉर्डन के साथ साथ। एडम लिथ 1 रन बना के आउट हो गए थे। अब इनका दिक्कत था मैथ्यू पॉट्स के अगेंस्ट। अब मैथ्यू पॉट्स कहाँ पे खेल रहे हैं? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में है, तो मैथ्यू पॉट्स तो नहीं है, तो एडम लिथ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, डेविड मलान 10 रन बना के आउट हो गए थे। कैडमोर 16 किए थे, हैरी ब्रुक 41 किए थे। यहां पे थॉमसन 4 विकेट निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। इनका ध्यान रखना है स्पेशल, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट। डेविड विली विकेटलेस और काफी एक्सपेंसिव गए थे इस मैच में। आदिल रशीद 1 विकेट निकाले हैं। यहां पे डुरहम और यॉर्कशायर के बीच में और एक हेड टू हेड मैच जो कि इसी वेन्यू पे खेला गया था लीड्स में। ठीक है, यहां पे 147 पे ऑल आउट हो गए थे डुरहम और यॉर्कशायर उसको भी चेज नहीं कर पाए थे।
थे। ग्राहम क्लार्क फिर से ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, बेन रेन का फिर से परफॉर्मेंस है, बर्डन कर्ट्स का भी परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ट्रेविस किस का फिर से परफॉर्मेंस, कफलिन इस बार 3 विकेट निकाले थे सेकेंड इनिंग में, एडम लिथ 11 रन्स और 2 विकेट निकाले थे। तब एडम लिथ बॉलिंग करते थे 2 ओवर 3 ओवर ऐसे करते थे, अभी तो ये बॉलिंग नहीं डालते ज़्यादा बट तभी करते थे, ठीक है। ब्रुक उस मैच में बैटिंग नहीं आया था उनका, यहाँ पे थॉमसन 22 किए थे, मलान 0, ठीक है। नेक्स्ट हेड टू हेड मैच यॉर्कशायर 198/3 काफ़ी ज़्यादा लंबा स्कोर कर दिए थे, डुरहम उसको चेज नहीं कर पाए थे। एडम लिथ 20, कैडमोर 85 किए थे, तो कैडमोर का परफॉर्मेंस आया है यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ब्रुक 23, तो डेविड विली सेकेंड इनिंग में 3 विकेट निकाले थे। ग्राहम क्लार्क का फिर से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं और कफलिन का फिर से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हेड टू हेड मैच जो कि यॉर्कशायर 146/6 किया था, डुरहम सेकेंड इनिंग में चेज फिर से नहीं कर पाया था। कैडमोर का फिर से परफॉर्मेंस बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एडम लिथ 3 विकेट निकाले थे, डेविड विली 2 रन किए थे, ग्राहम क्लार्क 13, मैथ्यू पॉट्स 2 विकेट फिलहाल नहीं है, बेडन कर्ट्स विकेट। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेंगे डुरहम टीम के बारे में जो कि इस मैच में एज ए विजिटिंग टीम खेलेंगे। 4 मैचेस खेल चुके हैं इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट में, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। लास्ट मैच जो खेले थे वहाँ पे डुरहम ने काफ़ी बढ़िया तरीके से टारगेट को डिफेंड किया था, इनका बॉलिंग यूनिट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बैटिंग यूनिट भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था। अनएक्सपेक्टेड कुछ परफॉर्मेंसेस आया था, जैसे कि एम जोन्स फाइनली फायर किए थे 44 रन्स के साथ, ओलिवर रॉबिन्सन भी हमारे टीम में थे, सिलेक्शन काफ़ी कम था, 35 किए थे, बेडिंगहैम 17, तो ग्राहम क्लार्क 24 किए थे, कफलिन 10 रन और 1 विकेट, बहुत लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन होगा इस मैच में, ब्रायडन कर्ट्स 19 रन्स और 1 विकेट, ट्रेविस किस विकेटलेस गए थे अनफॉर्चुनेटली और उनके जगह एंड्रू टाई को जिन्होंने लिया था काफ़ी अच्छे किए थे, 3 विकेट निकाले थे टाई, बेन रेन भी 3 विकेट निकाले थे, ब्रॉथविक का 1 विकेट रहा था। पावर प्ले में लास्ट मैच में डाले थे कफलिन, कर्ट्स एंड रेन, डेथ ओवर्स में कफलिन एक आधा ओवर डालते हैं, कर्ट्स टाई एंड रेन ही डेथ ओवर्स में ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि 5 से 6 नाम ऐसे कौन से हैं जो कि स्मॉल लीग में हम प्रेफर कर सकते हैं डुरहम टीम से, देखिए ग्राहम क्लार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, 25 से 30 रन तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसलिए ये आ जाएंगे सीधे सीधे हमारे टीम में। ओलिवर रॉबिन्सन नंबर 3 पे बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे नंबर 5 पे आने वाले कफलिन जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी आपको पॉइंट्स देंगे, ये 33 है, ठीक है। यहाँ पे ब्रायडन कर्ट्स और एक है, तो ये 4 तो आपके टीम में होने ही चाहिए। उसके बाद ट्रेविस किस एंड एंड्रू टाई में से कोई एक, क्योंकि एंड्रू टाई ज़्यादा बड़ा नाम है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, डेथ ओवर्स में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेविस किस एंड एंड्रू टाई में से कोई एक हो गया और इधर से आप बेन रेन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको 6th प्लेयर भी लेना है तो। अगर 5 प्लेयर लेना है तो मैंने आपको बता दिया, 6th प्लेयर बेन रेन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेंगे होम टीम यॉर्कशायर के बारे में। देखिए इन्होंने भी 4 मैचेस खेले हैं, 1 जीत पाए हैं सिर्फ, 2 हारे हैं और 1 नो रिजल्ट रहा था। अब इनके तरफ से बड़ा न्यूज़ क्या आ रहा है कि प्लेइंग 11 से जो 2 मेन प्लेयर्स थे ना, हरीश राउफ जो डेथ ओवर्स में डालते थे, पावर प्ले में भी डालते थे, और शादाब खान जो कि मिडिल ओवर्स को संभालते थे, वो दोनों ही पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, दोनों ही इस मैच में नहीं खेलेंगे। हरीश राउफ का लगभग कन्फर्म है कि हरीश राउफ नहीं खेलेंगे, बट शादाब खान का अभी 95% कंफर्म है, तो 5% कंफर्म नहीं है, बट हरीश राउफ बिल्कुल नहीं खेलेंगे इस मैच में, ठीक है। यहां पे यॉर्कशायर जो लास्ट मैच खेले थे ना 83/3 किए थे, 8 ओवर का मैच हुआ था, इसी वेन्यू पे हुआ था, और डर्बीशायर उसको आसानी से चेस किए थे, लिथ नहीं चले थे, मलान 50 किए थे, विली 17 रन्स और 1 ओवर डाले थे, मैथ्यू रेबिस यहां पे 1 ओवर डाले थे, थॉमसन 1 ओवर काफी एक्सपेंसिव, आदिल रशीद यहां पे 20 रन और विकेटलेस, हरीश राउफ 2 ओवर डाले थे, अभी अवेलेबल नहीं है, शादाब खान भी अभी अवेलेबल नहीं है। अब इनके तरफ से कोई भी स्क्वाड अब तक अनाउंस नहीं किया गया है और अब सिर्फ 8 से 10 घंटे ही बाकी है मैच का, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है यॉर्कशायर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी स्क्वाड उन्होंने अब तक अनाउंस नहीं किए हैं पर्टिकुलर इस मैच के लिए, और ये रहा वो वाला पोस्ट जो बताता है कि हैरिस राउफ इस मैच में नहीं खेलेंगे, वापस जा चुके हैं। तो उनके जगह कौन आ सकते हैं, उनके जगह स्क्वाड में बेन कोड है राइट आर्म मीडियम फास्ट, मैथ्यू फिशर है राइट आर्म मीडियम फास्ट, इन दोनों में से कोई भी हरीश राउफ की जगह आ सकते हैं। हालांकि शादाब की जगह कौन आएगा अभी भी कंफर्म नहीं है, अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे तो एक आधा लेग स्पिनर टीम में ऑलरेडी है, बट वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है,
तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शायद ना हो, बाकी देखना पड़ेगा। ऑफिशियल स्क्वाड जब भी अनाउंस होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे के बारे में। कैसा फ़ायदा? अगर आप 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स लीग खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर वो सारे लीग्स ज़्यादा खेलते हैं तो आप रियल 11 पे आके क्यों नहीं खेलते? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस ऑलरेडी बाकी एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा कम है, और उस पर भी अगर आप 5% बोनस यूज़ करते हैं तो इस पर्टिकुलर लीग का जो एंट्री फीस हो जाता है 1045 हो जाता है। सिर्फ 1045 रुपीज़ दे के आप जीतने पे 3000 रुपीज़ घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जीतना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप भी आके खेल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे हर एक लीग में आप बोनस यूज कर सकते हैं 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं ना वहां पे भी आपको बोनस यूज करते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, ग्रैंड लीग में भी आप काफी अच्छे कर सकते हैं। जैसे कि आईपीएल लीडर बोर्ड में अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो 3rd कार्ड विन कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री फीस यहाँ भी कम है, प्लस यहाँ पे कंपटीशन भी कम है ग्रैंड लीग का, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे। जॉनी बैडिस्टो आपको दिख जाएंगे जो कि फिलहाल अवेलेबल नहीं है। टॉम कलर कैडमोड भी लास्ट मैच में नहीं खेले थे। जब भी स्क्वाड अनाउंस होगा अगर मुझे दिखा टॉम कलर कैडमोड तो फाइनल टीम में चेंजेस होंगे, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टैटरसल लास्ट मैच में खेले थे, मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग। ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, अगर आप कोलैप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यॉर्कशायर का तभी उस ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन में लीजिएगा, नहीं तो उतने भी इंपॉर्टेंट है नहीं। हालांकि रिसेंटली काउंटी मैचेस में काफ़ी अच्छा किए हैं, जो 4 दिन के मैचेस होते हैं ना वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा किए हैं। ओलिवर रॉबिन्सन नंबर 3 पे बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट मैच में भी हमारे टीम में थे और आज भी होंगे। ठीक है, एन एकर्सले नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे इसलिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे, डेविड मलान हमारे फर्स्ट पिक होने वाले हैं। हैरी ब्रुक भी इंपॉर्टेंट है बट लास्ट मैच में ये भी नहीं खेले थे, पता नहीं क्यों, इंजरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी न्यूज़ आता है या फिर स्क्वाड में इनको अनाउंस किया जाता है तो फाइनल टीम में हम ऑब्वियसली टॉस के बाद चेंजेस करेंगे। एडम लिथ लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए थे बट ये पार्ट टाइम बोलिंग भी कर सकते हैं प्लस ओपनिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जो रूट नहीं है, गैरी बैलेंस फिलहाल तो नहीं खेले हैं एक भी मैच, बेडिंगम अब तक अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, जब भी चलेंगे 60-70 करेंगे और काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से करेंगे। इनका स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा होता है क्योंकि हमेशा मारने को देखते हैं इसीलिए जल्दी आउट होते हैं और इनका एवरेज उतना अच्छा आपको कभी नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे विल फ्रेन नीचे बैटिंग करेंगे नंबर 5 नंबर 6 पे यॉर्कशायर के तरफ से। यहाँ पे एम जोन्स लास्ट मैच में 44 किए थे एंड शुरुआत में इनको स्टार्ट्स तो मिल रहा था 15-20 15-20 बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लास्ट मैच में एटलीस्ट 44 किए हैं एंड होपफुली इस मैच में भी अगर आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करते हैं तो ये 60-70 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हम लेंगे ग्राहम क्लार्क को जो कि एक्सपीरियंस कंपेनर है और कंसिस्टेंटली यॉर्कशायर के अगेंस्ट हेड टू हेड मैचेस में परफॉर्मेंस किए हैं। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स तो अवेलेबल है नहीं, शदाब खान भी शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे, लगभग 95% कंफर्म अब ले सकते हैं। डेविड विली लास्ट मैच में खेले थे, इंपॉर्टेंट होंगे, इस मैच में भी हम इनको लेंगे, हिट टू हिट रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। कफलिन बहुत लोग का कैप्टन वाइस कैप्टन और होना भी चाहिए जिस तरीके से बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से परफॉर्मेंसेस दिए हैं। बाकी नीचे टर्नर को फिलहाल नहीं खिलाया जा रहा है, इंजरी कंसर्न है थोड़ा सा, पता नहीं इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर प्लेइंग 11 में टॉस के बाद अनाउंस किया आता है हमारे वाइस कैप्टन होंगे। ठीक है, बाकी थॉमसन इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बोलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ ओवर्स में डालते हैं, प्लस अगर बैटिंग आया तो काफी अच्छे पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, मैथ्यू रेविस इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि हारिस राउफ नहीं है, डेथ ओवर्स में डाल सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है, लिख के लेना है, मैथ्यू रेविस इंपॉर्टेंट होंगे इन एब्सेंस ऑफ हारिस राउफ। थोड़ा सा बोलिंग सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं किनको हम ले सकते हैं। देखिए यहां पे आदिल रशीद हमारे फर्स्ट पिक होंगे क्योंकि
क्योंकि अब तक देखिए ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एक आधा विकेट इनको मिल जा रहा है बट गुच्छे में विकेट जो निकालते हैं ना, 3 विकेट 4 विकेट, उनको उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। क्रूशल ओवर्स इनको नहीं मिल रहा। अगर 14-15 ओवर के बाद एक आधा ओवर इनको मिलेगा तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल साबित हो सकते हैं। जैसे कि राजस्थान युजवेंद्र चहल का यूज़ कर रहा था जिसके वजह से वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स रहे इस बार आईपीएल में, ठीक है। उसके बाद ट्रैविस किस 75% सिलेक्शन, बोलिंग सेकंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम नीचे जाएंगे, ब्रॉथविक 1 से 2 ओवर ही करेंगे, आप चाहो तो ले सकते हो बट उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। एक आधा विकेट निकाल लेंगे लकीली बट 2 ओवर से ज़्यादा शायद नहीं करेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ से डॉम बेस का भी वही है, 2 से 3 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी बैटिंग काफ़ी नीचे करेंगे। हारिस राव 65% सिलेक्शन, फिलहाल नहीं खेलेंगे। मैथ्यू फिशर आ सकते हैं, पैटरसन भी आ सकते हैं जो कि उनके काउंटी के जो मैचेस होते हैं 4 दिन का, उस टीम के कैप्टन है यॉर्कशायर का, ठीक है। बाकी ब्रेडन कर्स 52% सिलेक्शन, हमारे टीम में सीधे सीधे होंगे बैटिंग प्लस बॉलिंग। बिन रेन लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे इसलिए हम इनको फेवर करेंगे। बाकी नीचे एंड्रयू टाय लास्ट मैच में 3 विकेट आते ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे। फिलहाल हमारे स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता है जहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहां पे कफलिन के साथ जॉर्डन थॉम्सन हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। आप है तो डेविड मलान को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं या फिर ब्रेडन कर्स जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। बैटिंग तो उतना नहीं बट बॉलिंग से गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं, प्लस नीचे आके पावर हिटिंग भी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली जो वीडियो में चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ पाए होंगे। और हाँ, इस मैच का फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा टॉस के बाद एंड डेडलाइन के ठीक 10 मिनट पहले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है एकदम ऊपर वाला कमेंट, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलता हूँ डेडलाइन के ठीक 10 मिनट पहले फाइनल अपडेट्स एंड फाइनल टीम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।